वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम महाशिवरात्रि है और आज हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने। और आप जैसा कि देख सकते हो अभी मैं सारी पैकिंग कर रही हूँ, वहाँ पे ड्रेस वगैरह चेंज करनी है और हमारे साथ कान्हा भी जा रहा है। हेलो गाइस, मैं भी जा रहा हूँ गंगा जी नहाने। तो गाइस हम आपको आगे दिखाएंगे, चलिए मिलते हैं आगे। अभी देखिए हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, अभी हम लोग पहुँचने ही वाले थोड़ी देर में। शिवरात्रि की वजह से आप लोग देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है। हर लोग सभी लोग मतलब गंगा जी के दर्शन करने व स्नान करने वहाँ जा रहे हैं। इसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक दिख रही है। और आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं अच्छी धूप निकली हुई है। और आप देख सकते हैं कितनी सारी मंदिर हैं यहाँ रास्ते में, आप लोग देख सकते होंगे। देखिए कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे हर सभी भगवानों की यहाँ पे मंदिर आपको देख सकते हैं, ये देखिए। और बहुत ही पुरानी पुरानी मंदिर है, आप लोग को देखने से पता चल रहा होगा कि कितनी पुरानी मंदिर है यहाँ पे। देखिए देखिए कितनी भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ है। फाइनली हम लोग पहुँच गए और हम लोगों ने गाड़ी को पार्किंग में लगाया। आप लोग देख सकते हो हम लोग घाट पे पहुँच गए और अब हम लोग चलते हैं स्नान करने। हेलो दोस्तों, देखिए ये चंदन टीका लगवा रही हैं, स्नान कर चुकी हैं। चंदन टीका लगाने का एक अलग ही महत्व है गंगा के तट पर। देखिए सभी श्रद्धालु लोग नहा धो के चंदन वंदन लगा के बहुत सुंदर तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं। शिवरात्रि में शंकर भगवान को आराधना करके हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आप लोग भी करें जरूर। हेलो गाइस, अब हम लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, गंगा स्नान हमने कर लिया, अब आपको मिलते हैं।